बाद में इस क्षेत्र के जानदार और शानदार विधायक मेरे बड़े भाई हाजी नासिर कुरैशी साहब का स्वागत इस्तेमाल करता हूँ और बड़े भाई पूर्व मंत्री जुगल किशोर यादव जुगल किशोर वाल्मीकि जी का भी मैं शनिवार की शाम 9 बजे नगर पंचायत भोजपुर के मोहल्ला सब्जी मंडी होली के चौराहे पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। रुचि वीरा ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के स्थान पर मुरादाबाद में जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, जहां लोग परेशान हैं और आए दिन गड्ढों में गिर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है, वह एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। रुचि वीरा ने मंच से बोलते हुए कहा कि मेरे भाई हाजी नासिर कुरैशी के परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हादसा किसी के साथ हो, फिर भी मेरे भाई अपनी बहन का हौसला बढ़ाने के लिए अपने गमों को भूलकर भोजपुर में मेरी जनसभा में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई बहन मिलकर क्षेत्र के विकास और तरक्की के लिए कार्य करेंगे और गरीब और मजबूर असहाय लोगों की मदद करेंगे। सपा लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। मेरी सभी भाइयों से गुजारिश और अपील है कि आप हमें वोट दें और कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र के लोग पैर फैला कर सोना, हम दोनों मिलकर आपकी चौकीदारी करेंगे। रुचि वीरा ने कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से हूं और एक औरत हूं, फिर भी आप लोग जो कहेंगे वह वादे पूरे करूंगी और आपकी जिंदगी भर खिदमत करूंगी। वहीं देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने भी जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि आने वाली 19 तारीख को सभी मेरे भाई बहन और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान करें और भारी वोटों से रुचि वीरा को वोट देकर कामयाब बनाएं। सभा के दौरान भारी संख्या में भोजपुर क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। INN न्यूज के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। विधानसभा के अध्यक्ष मेरे भाई मोहिद्दीन साहब, हमारे बीच में अभी आपसे मुखातिब थे मेरे भाई हाजी नासिर कुरैशी साहब, उससे पहले हमारे बीच में मंत्री जी अकील रहमान साहब भाई, हमारी सरकार में मंत्री रहे हम जुगल किशोर जी, हमारे बीच में हसनैन अख्तर साहब अपनी बात रख रहे थे, अरशद मौलाई साहब अपनी बात रख रहे थे, हमारे बीच में भाई मिर्जा जी हैं, भाई राशद कामत साहब हमारे बीच में हैं, विजय वीर यादव जी हमारे बीच में हैं और भाई यहाँ जिनका भी भाई अताउर रहमान साहब हमारे बीच में हैं, नबी हसन नगर अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और भाई जिनका भी मैं नाम नहीं ले सक रही हूँ, सबसे बहुत माजरत चाहते हुए, और जितने मेरे मंच पर बैठे हुए लोग मेरे अजीज हैं, मेरे काबिले एहतराम हैं, उतने ही मेरे सामने खड़े मेरे बुजुर्ग सभी को मेरा आदाब, और जितनी भी माएँ बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं उनको सबको मेरा आदाब, बच्चों को मेरी ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे भाई ने सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी और दिल खोल के रख दिया, मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहती हूँ। देखिए हम लोग राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा सबकी है, शहर का हर एक की ख्वाहिश है कि चुनाव लड़े। जब तक टिकट मांगने का झगड़ा है तब तक सबको टिकट डट के मांगना चाहिए, लेकिन जिसका भी टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दे तो भाई फिर सब लोगों को दिलो जान से चुनाव लड़ाना चाहिए। मेरे घर भाई के घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई, ऊपर वाला ना करे किसी को भी इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़े, लेकिन आज वो मैदान में आ गए हैं और आपसे कहना चाहती हूँ सारे अपने गमों को दुखों को भुलाकर वो मेरे लिए इलेक्शन में अपना सब आप लोगों के बीच में आ गए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो भाई मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं देहात में अलग अलग विधानसभाओं में घूम रही हूँ और मुझे इस कदर मोहब्बत मुरादाबाद के लोगों से मिल रही है, जैसा भाई ने अभी बताया कि भाई इसी मुरादाबाद की पैदाइश है और बिजनौर में मेरी शादी हुई है और बिजनौर भी इसी लोकसभा में लगता है बढ़ापुर सीट, तो भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि एक तरफ मेरी चार विधानसभाएं मेरे मैके की है और एक विधानसभा मेरी ससुराल की है। अब कॉम्पिटिशन ये है, मुकाबला ये है कि मुरादाबाद वाले ज्यादा जोश से वोट डालते हैं या ज्यादा जोश से वोट बढ़ापुर वाले डालते हैं, ये मुकाबला है आप लोगों का। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप
साथ साथ मेरे समाज का वोट भी आपके साथ वोट करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ भाई, विधायक भी रही हूँ, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूँ, एक तारुफ के तौर से बताना चाहती हूँ, मेरे ससुर भी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मेरे शोहर भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, मैं भी रही। बताने का मकसद ये है कि मेरी खानदान में एक जज्बा है खिदमत करने का, कमजोर लोगों के साथ खड़े होने का, इलाके की तरक्की का, इलाके के बच्चों को तालीम याफ्ता करने का। तो उसी रवायत को लेके आपके बीच में आई हूँ। जो भी खिदमत मेरे लायक होगी, हम दोनों भाई बहन मिलकर, हाजी नासिर कुरैशी साहब और आपकी बहन रुचि मीरा, हम दोनों मिलकर आपके बीच में तरक्की के काम करेंगे, आपके हर सुख दुख में शामिल होंगे, और जहां हमारी जरूरत होगी वहां आधी रात भी आपके बीच में खड़े होने का काम करेंगे। आपसे बताना चाहती हूँ, एक और एक ग्यारह होते हैं, एक और एक ग्यारह होते हैं, समझ लीजिए कि आप लोगों के बीच में वोट डाल दो हमें आने वाली 19 तारीख को, हौसला अफजाई कर दो, हमारे नेता की हाथों को मजबूत कर दो, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दो, हम दोनों बहन भाई को मजबूत कर दो। अरे भोजपुर वालों, पैर फैला के सोनो, हम दोनों तुम्हारी चौकीदारी करने का काम करेंगे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, मुझे तूने अता की है जबान, मेरी मालिक मेरी बातों में असर भी देना। आज भोजपुर के इस ऐतिहासिक मीटिंग में, इससे पहले कि मैं तमीम मांगू, हमारे बीच में जिनकी वजह से हम और आप आज यहाँ पर सब आए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, इस मेहमान हमारी मेहमान खुसूसी और मुरादाबाद की पार्लियामेंट की उम्मीदवार एनडीए से, वो इंडिया गठबंधन से, हमारी बहन रुचि मीरा जी, आपके हरदिल अजीज विधायक और इस क्षेत्र के विधायक जो कई वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कामयाब किया, भाई नासिर कुरैशी साहब, महमूद भाई, पूर्व मंत्री जी हमारे चंदो सिंह के, नाम लूंगा तो वक्त तो वैसे ही बहुत कम रह गया, माफना चाहते हुए मौजूद मंच, बल्कि आज जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी कमियों को दूर करके आज हमें इत्तेहाद और मुत्तहिद होना। अगर आप मुत्तहिद हो गए, अभी जैसे शेर बनाता कि मुत्तहिद हो गए तो कहलाओगे मोमिनो वादी, मुंतशिर हो गए तो किस्तों में सफाया होगा, और कितना सफाया करना चाहते हो। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक लगातार आपका तालीम में भी, नौकरियों में भी, सियासत में भी हिस्सा घटता रहा, हमारे सर की आज ये पोजीशन हो गई कि सर से लेकर पैर तक हम कमजोर हो गए, हमारे सर की, लेकिन हमारी तारीख है, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंग न कर, हमारे ताज अगहरे घरों में रखे हैं। अगर आज आप लोगों ने अदाई दी और तमाम दलित और मुसलमान और अगड़ा और पिछड़ा सब लोग मिलकर के एक भाईचारा बनाया जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, पीडीए बनाना जो बनाया है आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पीडीए चाहता है कि आओ मुसलमानों, आओ दलितों, आओ पिछड़ों, आओ कमजोर लोग, आप ऐसा भाईचारा बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है हिंदुस्तान से खत्म करके एक आजाद ऐसा हिंदुस्तान हम बनाए जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, बल्कि नफरत ना हो। आज गरबा ने बात की है कि आज हमारे बीच में उम्मीदवार बैठी है, उनके बारे में कहा जाता है कि शायद बाहर की है, इतना अंदर का कोई उम्मीदवार नहीं होता, हम लोगों की तो एक घर होता, दोस्तों मरण जहां रहता वो उसका घर है, लेकिन हमारी महिलाओं का दो दो घर होते, एक उसका बैठा जहां पली और बढ़ी, जहां तालीम हासिल किया, और दूसरी वो जगह होती जहां पर शादी होकर गई, जहां शादी होकर गई पढ़ापुर वहां की विधानसभा जो इसी लोकसभा का हिस्सा है वहां की बहू है तो बेटी मुरादाबाद की है, यहीं की तालीम हासिल की। अगर 5 साल ये विधायक रही है तो इन्होंने
दलितों का भी, मुसलमानों का भी, कमजोरों का भी, पिछड़ों का भी, अगड़ों का भी साथ दिया, वरना हौसला नहीं हो सकता था कि अखिलेश यादव जी से यहाँ आपके बीच में टिकट लाकर आपके सामने आज वोट मांग रही है, बल्कि न सिर्फ वोट मांग रही है बल्कि यहाँ की जीत में मैं समझता हूँ मुर्दाबाद की सीट सबसे आगे अपना नाम दर्ज कराई है। जिस तरह आप नासिर भाई ने भी यहाँ पर बड़ा संघर्ष किया, दोस्तों संघर्ष हमने भी बहुत किया। इससे पहले 2019 में जी मेरा यहाँ से समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट हुआ था, तो तीसरे दिन किसी वजह से वो टिकट मैंने वापस किया और जो यहाँ वर्तमान में अभी भी सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन साहब, वो टिकट मैंने उनको वापस किया था। और वो वापस करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया और उनको 1,00,000 से अधिक वोटों से जिता करके एम पी बनाने का काम किया। और आज भी अब की बार भी मैं 2024 में मैंने टिकट मांगा था, लेकिन टिकट मेरी बड़ी बहन रुचि मीरा जी को हुआ और आज मैं इनका समर्थन कर करके आपने देखा ये देहात विधानसभा 27 से मैं यहाँ का MLA हूँ, यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ, आपने देखा ये जन सैलाब, ये सब इनके साथ है और मैं इनके साथ हूँ और इंशाल्लाह ये अब की बार बहुत वोटों से जीत करके संसद में जा रही हैं और पार्लियामेंट में जा रही हैं और ये यहाँ का प्रतिनिधित्व मुरादाबाद का खाली एक बार नहीं बार बार करेंगी और यही रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पहले तो हम लोग शाम को 6 बजे से कई सारे गांव में घूमे और लोगों से मुलाकात करी, चर्चा करी चुनाव के सिलसिले में, और यहाँ आज भोजपुर कई गांव को जोड़ने का एक मतलब जगह है, नगर पंचायत है, ऐसी जगह है जो कई गांवों से घिरी हुई है। यहाँ एक चुनावी जनसभा हम लोगों ने की है और आप मेरे भाई विधायक नासिर हुसैन साहब, नासिर कुरैशी साहब हैं जो कि यहाँ से विधायक हैं, ये मुरादाबाद लोकसभा देहात लोकसभा है, वो विधानसभा है। और हम यहाँ पे आज ये चुनावी जलसा था और आप लोगों ने देखा होगा कि भारी जन समर्थन है और भाई मैं भी कमिटेड हूँ इन लोगों के हर सुख दुख में इनके साथ रहने के लिए। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना चाहूँगी, बड़ी सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में वोट देने के लिए तैयार हैं, एक बिल्कुल कारवा बन चुका है, और बड़ी गंभीरता से सिलेक्शन को लें, वोट डालें, बूथ के ऊपर जिम्मेदारी से खड़े हों, लाइन लगा के खड़े हों, खामोशी से खड़े हों। और ये भी कहना चाहती हूँ कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राजकीय इंटर कॉलेज में आ रहे हैं, हमारे सभी साथियों से कहना है कि वहाँ पहुँचें और हमारी सबकी हौसला अफजाई करें और हमारे नेता की बातों को सुने। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।